तो भैया ने मेरी हेल्प की। आपका नाम क्या है? अजय। अजय। अजय पंजाब से ना? यस। हेलो, आप राजस्थान से? हाँ। डॉक्टर शास्त्री। हाँ, बी एल देवड़ा सर। गजानन महाराज की जय हो। तो अभी मैं जम्मू के अंदर हूँ और जम्मू की हसीन वादियाँ देखते देखते दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। और मैं अपनी डिस्टेंस से अभी भी दूर हूँ, 90 किलोमीटर दूर हूँ अभी भी मैं अपनी डिस्टेंस से। कुछ रैली निकल रही है इधर। परशुराम जी की जयंती है ना आज, तो मेरे ख्याल से ये हरिराम नगर है। यहाँ पे जो रोड है वो बहुत शानदार है, एकदम मक्खन रोड है। मचकाते हुए चलो, लेकिन थोड़ा सा धीरे चलाना है आप लोगों को, क्योंकि कौन बीच में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो ये देखो आप, हसीन नज़ारे हैं यहाँ पे। ये तो यार गजबी है, शानदार शानदार नज़ारे। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फॉरेन में आ गया हूँ। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया सच्ची में। तबे तो ये आ गई नदी, एंड इधर है प्यारे प्यारे से पहाड़, मस्त मस्त सुंदर सुंदर अति सुंदर। कटरा 86, वाह यार क्या अमेजिंग रोड है यार, सच्ची में मज़ा आ गया रोड देख के। रोड हो तो ऐसी हो, वरना वही नहीं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय। अरे यहाँ पे 83 है। ओ मज़ा आ गया। हाँ तो ये है जम्मू की रेट, जम्मू में 83 है पेट्रोल। हाँ थक गया हूँ, पहले सोचा था रेस्ट कर लूँगा, फिर मैं लग रहा है कि यार पेट्रोल पंप कहीं दिक्कत हो गया था इधर। वैसे गाड़ी इतनी गर्म तो है नहीं, तो अभी करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फुल कर दो। फोन पे है ना? फोन पे। अरे डीजल 83 है, पेट्रोल 97, गलत बता दिया था मैंने। बस बस बहुत है। हाँ हाँ गर्मी पड़ रही है ना, कितना है? 754। बिल निकाल देना। तो टैंक फुल करवा दिया है हमने 758 में। हाँ, और अभी कुछ अच्छा लगा तो बीच में ढाबा वगैरह कुछ भी दिखा ना, तो हम बीच में स्टॉप करेंगे, नहीं तो सीधा कटरा जाएंगे। आज का होल्ड कटरा में। अरे दुकान तो दर्द कर रही है मेरी अभी भी। जम्मू सिटी आ गए है और पनीर से निकलते हैं रेलवे स्टेशन उधमपुर, नागरोटा, श्रीनगर, लेह 700। अपना लोकेशन इधर का बता रहा है, ये कटरा जाने के लिए। तो कटरा इस तरफ है, एंड कटरा यहाँ से है अपने 56 किलोमीटर का है कटरा। हाय 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 हाय, क्या नज़ारा है कटरा सीधा। अच्छा इधर वो कार केबल भी है, केबल कार। सच में यार मज़ा आ गया। अभी थोड़ा है ना वो आ गए लेफ्ट राइट वाले मोड। मैं इस पेड़ का कह रहा, देखो ब्लू ब्लू ऊपर पत्ते आ रखे, फूल आ रखे। बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे आ रहे हैं यार सच में। आप लोग जरूर आना इधर घूमने के लिए, मज़ा आ जाएगा, पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का पूरा पूरा। इंडिया से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ है इंडिया के अंदर, सब कुछ।
रेत, पानी, पहाड़, हरियाली, ग्रीनरी, वाओ, सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल, कितना शानदार दिख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मैं हूँ अबुई जम्मू तवी एंड ये है यहाँ की बहुत बड़ी रिवर्स, खाली है और सामने सामने से अभी मेरे को यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा राइट टर्न। राइट में क्या क्या है, पाटनी टॉप है, उधमपुर है और कटरा है 38। कटरा 37। मुझे लग रहा है चैन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, मैं अभी कहीं ना कहीं रुकूंगा। यार मुझे लग रहा है कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चैन तो एकदम लूज पड़ी है। क्या बताओ यार, अभी इसका क्या दिक्कत होगी। चैन तो जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, लेकिन इसमें आवाज़ आ रही है कड़ 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 कड़, किस वजह से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेक वगैरह सब रेडी है। हाँ क्या करूँ, कटरा चला ही जाता हूँ, 15 दिन के बाद ही पता चलेगा। दिखानी पड़ेगी मैकेनिक को कि आवाज़ किस चीज़ में से आ रही है, कि अरे यार नहीं पता चल रहा मुझे तो इसमें। कटरा चला ही जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, फिर कटरा निकलता हूँ, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ अभी। एंड ये देखो आप लोग यहाँ के नज़ारे, मेरे तो मुसीबत आती रहती है, आप लोग यहाँ के नज़ारे देखो, मस्त मस्त, कितना बड़ा नदी है ना ये। ये बारिश के टाइम में शायद फुल चलता होगा। एंड सामने वाली जो सिटी देखो एकदम, ये है जम्मू तवी एंड अभी ये है कटरा जाने वाला रास्ता। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, फिर निकलता हूँ आगे। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो चैन ल्यूब की वजह से आ रही थी, चैन ल्यूब था नहीं, क्योंकि मैं जब क्लब से निकला था ना तभी करा था, उसके बाद मैं करा नहीं। तो मैंने वो भैया से बात की BMW ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि आप चैन ल्यूब लगा दो तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने चैन ल्यूब लगा दिया एंड सही बताओ ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि बाबा जी किसी ना किसी को भेज देंगे मेरे लिए। तो बाबा जी ने सच में मेरे लिए भेजे, वो भी सीधा पंजाब से आए, तो वो मेरे सामने पूरी पंजाब की फैमिली है, वो ये भैया आए थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी, बाइक चलाया उन्होंने और मैंने ल्यूब लगा दिया। हाँ बाबा जी का हाथ है मेरे ऊपर, अभी कुछ नहीं होगा मेरे को। थैंक यू बाबा जी हेल्प करवाने के लिए, आपने किसी ना किसी को तो भेजा।
अभी मैं सीधा जाऊंगा कटरा, अगर फिर भी आवाज़ आती है ना तो फिर मैं इसको चैन टाइट करवाने के लिए बोलूँगा, या फिर वो मेरे को कॉल करेंगे, जो भी वो बताएंगे उसके लिए मैं उनसे बात करवा दूँगा मैकेनिक से, और वो ठीक करवा देंगे जल्दी से जल्दी। मिस्टर देवड़ा है ना? हाँ, तो भैया ने मेरी हेल्प की। आपका नाम क्या है? अजय। अजय। अजय पंजाब से है ना? ओके थैंक यू, बाय बाय। ये भी वहीं पे जा रहा है वैष्णो देवी मंदिर, और मैं भी वहीं जा रहा हूँ वैष्णो देवी मंदिर। तो अभी अपन तैयार हो चुके हैं, हेलमेट लगा देता हूँ मैं, मेरा ना फ्रंट कैमरा इतना बकवास आता है ना, तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ एकदम फिट फॉर बैल लग रहा हूँ। तो देखते हैं, कुछ आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं आनी चाहिए, बंद हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आती है तो उसको वहाँ क्या चैन टाइट करूँगा, या फिर क्लीन लूज वगैरह जो भी रहेगा वो ठीक करवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे और भी जाना है 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, तो पूरा हिल स्टेशन ऐसे ही रहेगा पूरा पूरा। तो अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो अभी मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही है बाइक के अंदर, चैन ल्यूब की वजह से आ रही थी। मैं जब निकल रहा था ना, तब मैंने स्टडी करी थी, तब इसको यही था कि आपको हर 500 या 400, नहीं 500 तो ज़्यादा है, 400 टू 500 तक आपको चैन ल्यूब लगाना है, और मैंने सिर्फ राजस्थान में लगाया था, यहाँ तक लगाया नहीं, जम्मू पहुँच गया मैं, तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही थी, एकदम गर्म हो गई थी चैन पूरी पूरी। हाय हाय, फोटोशूट चल रहा है। दूसरा टनल आ गया 400 500 मीटर 5.5 मीटर। टनल तो शानदार है यार, मज़ा आता गाड़ी चलाने में अंदर। वैसे फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं टनल के अंदर, ये तीसरा। कितने कितने टनल है? ये भी 5.5 का। टनल के ऊपर टनल आ रहा है, टनल के ऊपर टनल आ रहा है, ये तो बड़ा दिख रहा है यार। बाइक मचका रहा लड़के। जम्मू कश्मीर की है। ये 200 मीटर। ये लंबा है यार, ये तो ओ बाहर आ गए। कितना कंटिन्यूसली आया? 3-4 टनल। और आएगा क्या? सामने ये जो लाइनें वगैरह दिख रही है ना, वाइट वाइट सी बिल्डिंग है ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से ऊपर एंड बिल्कुल टॉप के ऊपर, मेरे को लग रहा है यही है वैष्णो देवी माता जी का मंदिर, क्योंकि इधर पूरी पूरी वो बना रखी है रेलिंग, एंड ऊपर से कहीं कहीं कवर भी कर रखी है, तो मुझे लग रहा है यही वैष्णो देवी माता जी का मंदिर है। एंड इसके नीचे जो दिख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह, ये कटरा दिख रहा है, लग रहा है ये मेरे को लग रहा है, लेकिन अभी जाने के बाद में पता चलेगा कि यहाँ से 8 किलोमीटर और कटरा बता रहा है, तो लगभग मैं पहुँच ही गया हूँ कटरा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अपना होटल रिजर्वेशन देखना पड़ेगा, मैंने बुकिंग कहीं नहीं करवाई क्योंकि मेरा प्लान कुछ भी फिक्स नहीं है, जिस दिन जहाँ पे पहुँचूँगा उस दिन वहीं पे रुकूँगा, ये प्लान है, ऑन द स्पॉट बुकिंग करवाएंगे। टर्न तो खूब है, अच्छा अच्छा टर्न है,
बड़े बड़े पूरा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अच्छा हुआ मैं बाइक पर आया, वरना ये वाली जो जगह है ना हिल स्टेशन, वहाँ पे मैं कार में कभी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, वॉमिट होके ही मर जाऊँगा मैं तो। मंगल वो बोल रहे तो बर्फ गिर रहा है। उसने तो बोला था बर्फ वगैरह गिर रही है, लेकिन यहाँ पे बर्फ तो है नहीं कहीं भी। अच्छा हाँ आ जाओ आ जाओ। हेलो, आप राजस्थान से? हाँ। डॉक्टर सतीश शास्त्री। हाँ, बीएल देवड़ा सर। हेलो नमस्ते। हेलो, कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? अभी स्टार्ट ही कर रहा है। आ जाओ पास में, आ जाओ। ओके थैंक यू। गाड़ी चलानी है? ओके बाय। इंस्टाग्राम पे भेज देना फोटो, मैं डाल दूंगा, है ना सर? ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ तो जहाँ मैंने नारियल पानी पिया था ना पठानकोट के पास में, उसने मेरे को बोला था कि वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होगी, मज़ा आएगा आपको। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इधर बर्फ़ गिर रही होगी, हाइट तो है काफ़ी। तो 10 मिनट और रास्ता है अपने, एंड 3 किलोमीटर का रहा है कटरा। एंड जो टर्न आ रहा है ना, देखो हेलीकॉप्टर भी है इधर, ये भी लेके जाता, लेकिन अपन जाएंगे पैदल। जय माँ वैष्णो देवी, आ गए हम आपके चरणों में। तो ये जो आगे आगे गाड़ी चल रही है, ये भैया मुझे एक होटल दिखा रहे हैं, यहीं बीच में मिल गए थे मुझे एक होटल चाहिए, तो मैंने बोला हाँ बता दो। तो 1800 समथिंग तक बता रहे हैं, लेकिन अपन 1800 देंगे नहीं, मैं तो 1500 ही दूंगा। बात करते हैं, लेकिन इनके पास वो पार्किंग वगैरह है, एंड कल मॉर्निंग में जो गेट है ना वहाँ तक ड्रॉप भी रहेगा दर्शन के लिए। देखते हैं अभी पहले रूम्स वगैरह देखते हैं, अगर पसंद आया तो फिर मार्केटिंग वगैरह करते हैं, कितने फाइनल होते हैं बताते हैं वो भी आपको। वैष्णो देवी जाने के लिए मार्ग, एंड जो सामने गाड़ी जा रही है हेलो कर रहा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने देश का रे भाई, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। होटल महाराजा, कैमरा है बाहर, कैमरा लगा हुआ है। तो ये वाला होटल हमने बुक किया है, कौन सा है? रेडिसन स्क्वायर, ये वाला रूम रहेगा अपने, ये वाला नहीं, ये वाला रूम है ऊपर में फर्स्ट वाला, और वहाँ से बाइक भी दिख जाएगी। 1600 रुपये में दिया है रूम, रियाने दिलाया था। अभी ये सामान वगैरह लेके जाता हूँ रूम में, फिर आप लोगों को चेक इन करके बताता हूँ। रूम अच्छा है, रूम का 201 तो हमने लिया है, 201 पहले देखा था, दूसरा रूम लिया 201। एंड ये इसका वॉशरूम है, गीजर वगैरह सब कुछ, टीवी लगा हुआ है, एंड ये बेड है, ये सामान रख दिया हमने, और ये मैं फ़ोन आ रहा है अभी, फ़ोन उठा दो पहले, फिर खाना वाना खा के
आप लोगों से एकदम भयंकर प्यास लग रही है, गला सूख रहा है मेरा तो अभी, तो सबसे पहले अभी तैयार होता हूँ, नहा धो लेता हूँ, फिर खाना ऑर्डर करता हूँ। जस्ट अभी मैंने खाना खाया, लंच हो गया मेरा, नहा धो के लंच भी कर लिया एंड अभी मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठा हूँ। एंड मैंने बाहर देखा तो यार एकदम देखो इधर रेन होने लगी है इस सीज़न का पहला रेन स्टार्ट हो गया है। एंड अपना बाइक भी इधर ही पड़ा, मैं दिखाता हूँ आप लोग, ये आधा धुल जाएगा आधा ऐसे रहेगा। ये क्या, अरे ये वो क्या बोलते हैं इसको, आइस गिर रहा है, ये ओले ओले गिर रहे हैं। वाह इधर तो मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है यार।